Jainam Jayatu Shashi. Jainam Jayatu Shashi. कर्म का पाठ हम पढ़ रहे हैं। कर्म किसे कहते हैं, कर्म के कितने भेद हैं और फिर जो मूल भेद है उसके उत्तर भेद कितने हैं, उन सबकी चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। क्या एक मेरे को बाद मिले ना मेरे से, क्या इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आधारित हैं पूरा। और ये तो सब अपन जो है कर्मों से रहित होने के लिए रोज धूप चढ़ाते हैं, अष्टकर्म विध्वंस नाय, पर आठ कर्म के ही नाम नहीं मालूम। मोक्ष पर प्राप्त है, मोक्ष किन आठ कर्मों के अभाव से होता है बताइए। हम बोलते हैं कि अष्टकर्म विध्वंस नाय, आठ कर्मों के नाम पूछो, आठ कर्म क्या है नाम भी नहीं पता होंगे। तो वो बहुत पूरा मतलब पूरा जैन दर्शन ही नहीं, अन्य दर्शन में भी कर्म की बहुत चर्चा आती है। भैया अपने अपने कर्म का फल सब भोगते हैं, तो ये बहुत कर्म सिद्धांत मतलब बहुत व्यापक और बहुत प्रसिद्ध विषय है। पूरा कर्म कांड करना नहीं हो, यहाँ तक कि अध्यात्म, यहाँ तक कि अपना चढ़ना नहीं हो, प्रथमा नहीं हो, सब इस पर टिका है। सबकी बेस ये संसार अवस्था कर्म सहित अवस्था का नाम है और कर्म रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। वो कर्म है क्या, तो ये बहुत इसलिए खास चैप्टर है। तो खास चैप्टर में ये अभी लोगों का मिलन जुलन समारोह है, क्षमा बन रही है। एक बार अपने आप को भी क्षमा करो थोड़ा। अपन अपने आप के अपन ने जो अपनी आत्मा के प्रति जो अपराध किए हैं उनकी भी क्षमा होनी चाहिए ना। देखो अपन ने कल भेद किए थे ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के, ज्ञानावरणी के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं ज्ञानावरणी के, पांच याद है नाम सबको। अभी अपनी गाड़ी तेज चलेगी, अभी कौन कौन से पांच नाम बताओ। चलिए पति ज्ञानावरण, हाँ ये सब उस ज्ञान को आवित करते हैं। और केवल ज्ञानावरण सबसे अच्छा कौन सा है, केवल ज्ञानावरण अच्छा है क्या, सबसे बुरा है वो। देखो ये अपने मतलब ये पांचों कर्म तत्त्व संबंधी ज्ञान को आवृत करते हैं, ठीक है ना। मति ज्ञान और मति ज्ञान को आवृत करते हैं। पूर्ण मति ज्ञान अपने को नहीं, न शुद्ध ज्ञान है, न अवधि ज्ञान है, न मनोवर ज्ञान है, न केवल ज्ञान है। अवधि मनोवर ज्ञान केवल ज्ञान का तो पूरी तरह से घात है, मति शुद्ध ज्ञान का भी बहुत कुछ घात है। जितना जितना उदय है उतना उतना घात है। ज्ञानावरण के उदय से अपने ज्ञान का घात है। जैसे दर्शनावरण कर्म कितने प्रकार का है, काम क्या है, दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं, सामान्य अवलोकन का घात। हाँ जो आत्मा के दर्शन में उनको घात है, सामान्य अवलोकन का घात है। किस किस का घात करते हैं, जैसे कितने भेद है इसके दर्शनावरण कर्म के, कुल कितने भेद है, कुल नौ भेद है, नौ पांच निद्राएं भी इसी के भेद हैं, वो भी सामान्य अवलोकन का घात करते हैं। और चार जो और भी बताए थे वो भी इसी के भेद हैं, कुल नौ भेद है। दर्शनावरण के कितने भेद है, नाम किसको याद, कौन बोल रहे हैं, अरे बताओ याद हुए, देख के नहीं बिना देखे, थोड़ा बहुत घर जाके पढ़ना पड़ेगा। नहीं आपको याद है, नौ के नाम याद, चार के याद, याद है भाभी जी नौ के नाम, चलो बताओ। केवल ज्ञान दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, कौन कौन सी, बस है ना, ये है पांच भेद। अब एक एक की परिभाषा बताओ, चक्षु दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं, जो चक्षु दर्शन को आवृत करे, अचक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन को आवृत करे, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं,
चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन बच्ची विचार इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन के अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले अवलोकन को केवल दर्शन। निद्रा किसे कहते हैं? नींद आती है उसको निद्रा कहते हैं। मध खेद को दूर करने के लिए जो निद्रा आदि दी जाती है, मध खेद मद है श्रम को खेद को निद्रा 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 नींद पे नींद आए बैठे बैठे घुमरिया नींद आती जाए खड़े खड़े ही सो जाए बैठे बैठे सो जाए। ऐसे पिछला पिछला किसका नाम स्वान के समान नींद आग मंदी कुछ अर्ध मंदी कुछ आँख खुली प्रचला प्रचला अंग चलाए मानो हाथ से लाल मुंह से लाल बहते रहे हाथ पे चलाए मानो प्रचला प्रचला ध्यान वृद्धि नींद में ऐसे अद्भुत कार्य कर जाए जो जागृत दशा में संभव न ध्यान वृद्धि ये सब दर्शन और कर्म के भेद है। याद होना जरूरी है सब। अभी अपन आगे तो इसके ऊपर बेस इसको आधार बना के बहुत आगे की बहुत चीजें पढ़ेंगे ये तो एकदम मुंह पे ही काट पटपटा एक इंद्रिय के कितने दर्शन है कितनी निद्रा है सभी अभी चलेंगे सभी विषय कौन से स्थान तक कौन से कर्म का उदय है कौन से कर्म का बंध है कौन से कर्म की सत्ता है ये सब इस पर पूरा कर्मकांड आधारित है। ये नहीं समझ में आता ना तो कुछ समझ में नहीं आता कर्मकांड पढ़ाता था ना तो वो लोग बैठ जाए समझ में क्या है क्योंकि उनको कर्मों के नाम भी याद नहीं है ना इसलिए याद रखना जरूरी। देखो अब मौनी कर्म पे चलते हैं अपन। मौनी कर्म किसे कहते हैं? हाँ ये आठ कर्मों की सीक्वेंस क्या है सीक्वेंस पहले सीक्वेंस बता दो सीक्वेंस क्या है आठ कर्मों का क्रम क्या है बताओ कौन बताएगा अपने लोग का चलेगा सब ये सब अभी क्षमा नहीं बन रही है सबकी क्योंकि खबर नहीं पहुंच रही क्या हुआ जो गायब हो गया उसको बोलना पड़ेगा ज्यादा संख्या होगी तो पूछना भी नहीं रहेगा। चलो बताओ क्या है क्रम ज्ञानवाणी दर्शनावाणी मोहनी फिर उसके बाद वेदनी फिर अंतराय फिर नाम और बोध फिर आयु ये ठीक नहीं है क्रम बहुत सारी गड़बड़ी बताओ बर्तन बताएगा हाँ बताओ अच्छा इस क्रम का कारण क्या है पढ़ाया था बताया था नहीं बताया था नहीं यहाँ नहीं बताया था। देखो ये जो है ज्ञान जीव का असाधारण गुण है बल्कि ज्ञान ऐसा जीव का गुण है या यूं कहो ज्ञान जीव का लक्षण है कि जिससे जीव की पहचान होती है अन्य परद्रव्यों से भिन्न करने में अपने आप को भिन्न करने में ज्ञान असाधारण कारण है असाधारण गुण है। आपको शरीर से आत्मा को भिन्न करना है कैसे करेंगे शरीर में ज्ञान नहीं अपने में ज्ञान तो आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न करने में माने भिन्न अनुभूति करने में वेद विज्ञान करने में ज्ञान एक अद्भुत लक्षण है क्योंकि ज्ञान से अपनी पहचान होती है ज्ञान अपने में ही पाया जाता है शरीर आदि परद्रव्यों में नहीं पाया जाता इसलिए ज्ञान अपना असाधारण गुण होने से ज्ञान को सबसे पहले रखा और इसलिए ज्ञान का आवृत करने वाला कर्म सबसे पहले आया
और फिर उसके बाद दर्शन आया। अब प्रश्न कोई पूछ सकता है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, पहले दर्शन होना चाहिए। का दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है बस सत्य है, लेकिन दर्शन सामान्य और ज्ञान विशेष। सामान्य से विशेष बलवान होता है, दर्शन तो सामान्य अवलोकन करता है, लेकिन ज्ञान जानता है वो कैसा है, किस तरह का है। इसलिए ज्ञान विशेष गुण होने से इस ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म को दर्शन से भी पहले रखा, और फिर दर्शन सामान्य गुण है। लेकिन ज्ञान और दर्शन दोनों जीव के ऐसे जानने जैसे लक्षण हैं कि जो जीव की पहचान के कारण है, ज्ञान भी और दर्शन भी, क्योंकि दर्शन भी जीव में ही पाया जाता है, दर्शन अन्य परद्रव्यों में पुद्गल आदि में नहीं पाया जाता। इसलिए दर्शन गुण भी असाधारण होने से उसको ही पहले रखा, दर्शन को ज्ञान के पहले इसलिए नहीं रखा क्योंकि दर्शन सामान्य ज्ञान विशेष, इसलिए ज्ञान पूज्य होने से विशेष होने से ज्ञान को पहले रख दिया, दर्शन को बाद में। ये दो पास समझ में आया, रीजन आया कि नहीं आया? ज्ञान को पहले क्यों रखा, दर्शन को बाद में क्यों रखा, और ज्ञान और दर्शन को ही सबसे पहले क्यों रखा कर्मों के अंदर? क्योंकि ये जीव के असाधारण गुणों को भाते हैं, मतलब जीव का जो लक्षण है ज्ञान चेतन उपयोग, तो उपयोग के दो भेद है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, और वो उपयोग जीव का लक्षण है जिससे जीव की पहचान होती है, तो उसको घात करने वाले कर्म सबसे पहले आए। जिससे जीव की पहचान करते हैं हम, जो जीव की पहचान में एक अद्वितीय कारण है, उसका जो घात करे वो कर्म भी सबसे पहले आए। इसलिए ज्ञान ज्ञानावरण दर्शनावरण पहले हुए, अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे वेदनी, तो वेदनी को मोनी के जस्ट पहले रखा, ये बताने के लिए कि मोनी के बिना वेदनी कर्म कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं है। बिना मोनी के वेदनी अपना कुछ काम नहीं कर सकता, वेदनी होने मोनी होने पर ही वेदनी अपना काम कर पाता है। मोहिनी हो साता वेदनी अपना कुछ काम करने में समर्थ नहीं, असाता वेदनी कुछ काम करने में समर्थ नहीं, जली हुई रस्सी के समान। मोह परिणाम होने पर ही साता और असाता का अनुभव होता है, जिन्हें मोह नहीं होता उन्हें सिंहासन होने पर साता का अनुभव नहीं होता, कोई निंदा करे तो असाता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो साता असाता का अनुभव करने में जो कारण था वो मोह था। मोह मटने पर साता असाता कर्म का उदय भी हो लेकिन वो कुछ कार्यकारी नहीं है, जैसे जली हुई रस्सी कुछ बांधने में कार्यकारी नहीं। वेदनी कर्म की सत्ता तो है, उदय भी है, लेकिन कुछ काम फल नहीं देता। जैसे अपने को कितना मजा आता है ना ये बातें सुन सुन के, भगवान के तीन छत्र लगते हैं, सिंहासन है, महामंडल है, 64 प्रातिहार है, अशोक वृक्ष है, दुंदुभी है, देव नगाड़े बजाते हैं, तो ये सब सुन के अपने को बहुत गुदगुदी आती है। अपन भी जब भगवान बनेंगे तो सब ये सब जाएगा, लेकिन जब भगवान तो बन जाओगे तब इन सबका तुम्हें प्रयोजन ही रहेगा, और तभी बन पाओगे भगवान। भगवान इनका अनुभव नहीं करते, और जो इनके ही अनुभव करते रहते हैं भगवान नहीं बनते। इन चीजों के चक्कर में जो पड़े हैं, क्या भगवान, भगवान परिपूर्ण वीतरागता का नाम है, आत्म स्वभाव के भोगने का नाम भगवान बनना है। जो परद्रव्यों के भोगने में जिनकी बुद्धि है वो तो अपने स्वभाव को क्या भोगे। तो इसलिए ये सब साता के उदय से मिलते हैं, बात सही है, लेकिन ये मोह सहित ही साता को भोगवा, मतलब मोह सहित ही कार्यकारी है। मोह मिटने पर यह कुछ भी अनुभव नहीं कराते साता को, होते तो हैं लेकिन भगवान जी ने उनको कुछ भी साता रूप अनुभव नहीं कराते। और जिनके मोह मंद होता है, मोह तीव्र होता है, उनके सामग्री नहीं होने पर भी क्या वो अनुभव करते रहते, मन में ही अनुभव करते रहते, इसने मेरे को ऐसा कह दिया, इसने मेरी तारीफ कर दी, इसने मेरा सम्मान कर दिया, इसने मेरा बैठे बैठे ऐसा। मोह क्या खेल है, क्या सम्मान है, क्या अपमान है? सम्मान और अपमान सब मोह की परिभाषा है। मेरा सम्मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा निंदा हो गया, मेरी प्रशंसा हो गई, ये सब संसारियों के मोही जीवों के खेल है। वीतरागी को तो कोई प्रयोजन नहीं, जगत के जीव क्या कर रहे हैं वो अपनी परिणति जाने, हम तो अपने में लीन हैं, समझा ना? तो इसलिए ये सब बताने के लिए, क्योंकि अन्य जो जैसे जो
कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा मानते हैं कि असाधा वेदनी के उदय में भगवान को अनेक कार्य हो जाते हैं, तो वो उन्हीं के लिए है ये सब चीज़ें। असाधा वेदनी तब तक ही काम करता है जब मोह रहता है, मोहनी के बिना वो असाधा वेदनी कुछ काम करने को समर्थ नहीं है। और वो असाधा वेदनी का उदय समुद्र में बूंद बराबर है, बूंद जितना तो असाधा वेदनी का उदय, ये तुम्हें बताओ मानो भी असाधा वेदनी के उदय से उनको भूख लग जाती है, तो भैया असाधा वेदनी तो एक बूंद जितती है, असाधा वेदनी समुद्र जितती है, तो उनको समुद्र जितती जब असाधा वेदनी है तो भूख लगने का असाधा वेदनी का उदय क्यों? अनंत वीर के धनी है, उनको भूख लग जाएगी, देवों की भूख नहीं लगती, उनका शरीर ऐसा होता है, भगवान जिनेंद्र का परम उपारिक शरीर, तो उसमें भूख प्यास रोग ही नहीं मिटे तो भगवतपना कैसे होगा, भूख नहीं लगती उनके शरीर, शरीर की स्थिति कैसे टिकी रहती कि उनके शरीर में प्रति समय परमाणुओं का ग्रहण होता है, उन परमाणुओं के ग्रहण से उनके शरीर की स्थिति टिकी रहती, इसलिए उनके भूख नहीं लगती। ये सब चीज़ें जो मानते हैं उनके लिए ये मानव सूत्र कि वे वेदनी कर्म होने के बिना अपना फल देता नहीं। फिर मोह नहीं रखा उसके बाद, फिर उसके बाद में क्या है आयु, अब आयु रखा है तो आयु आधार है और नाम कर्म अधेय, माने आयु सबसे पहले ये मिलेगा अपने को कि अपन कितने दिन तक उस शरीर में टिके रहेंगे, पहले ये पक्का तो हो जाएगा अपने को यहाँ रहने के लिए जगह मिली है इतने दिन के लिए, टाइम फिक्स हो जाएगा एक दिन के लिए आधा दिन के लिए, अभी टाइम फिक्स हो गया कि हाँ अपने को इस शरीर में रहने के 5 मिनट भी मिलेंगे, 5 मिनट मिलेंगे तो 5 मिनट के लिए अब वो कमरा अब रेडी होना चालू होएगा, पहले ये फिक्स हुआ कि अपने को यहाँ इतने क्षण रहना है, मैंने यहाँ रहना है, ये रहना है इस शरीर में, तो फिर शरीर की रचना होगी, जो शरीर की रचना होगी वो किसका काम है, नाम कर्म का, फिर शरीर की रचना होगी तो शरीर किस कुल में उत्पन्न होगा, ऊंच में कि नीच में, उससे गोत्र का निर्धारण होगा। इस प्रकार से ये आयु नाम गोत्र एक दूसरे का, आयु आयु नाम कर्म का आधार है और नाम कर्म ऊंच नीच गोत्र का आधार, आयु ही नहीं होगी तो शरीर की रचना क्या होगी, शरीर की रचना ही नहीं होगी तो ये ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ या नीच कुल में उत्पन्न, इसलिए वो आधार है ना, आयु नाम का आधार है, नाम गोत्र का आधार है, इसलिए वो आधार होने से पहले आयु को रखा, फिर नाम को, फिर गोत्र, और अंत में रखा अंतराय को, क्योंकि अंतराय कर्म जीव के वीर को घातता है, शक्ति को घातता है, तो शक्ति जीव में भी पाई जाती है और पुद्गल में भी पाई जाती है, और जीव पुद्गल दोनों में पाई जाती है, इसलिए सामान्य गुण है, मतलब वीर जो है वो जीव का असाधारण गुण नहीं, बिल्कुल सामान्य सब द्रव्यों में पाया जाता है, अपनी अपनी शक्ति सबकी होती है, तो ये शक्ति को घातने वाला होने से, मैंने सामान्य गुण को घातने वाला होने से लास्ट में नंबर, कि जो गुण सब में है उसको एक घात भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गुण केवल जीव में है उसको घात करे सबसे पहले। इस प्रकार से 8 कर्मों का क्रम, तो ये 4 में तो अनंत वीर पहले प्रकट होते हैं ना, अरिहंत भगवान, हाँ होता पहले, वेदनी कर्म तो बाद में नष्ट होता है, पहले अंतराय कर्म का अभाव होता है, लेकिन जो सूत्र पाठ आया है उसमें कर्मों का क्रम ये दिया, जिनवाणी ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मुनि आयु नाम गोत्र और अंतराय, पूरी जिनवाणी में आपको इसी क्रम से सारा वर्णन मिलेगा, आप देख लेना कहीं। अंतराय कर्म का काम है जीव के वीर को घात करना, वीर माने शक्ति, जीव के शक्ति का घात करना, तो शक्ति पुद्गल में भी होती है अपनी अपनी, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप शक्ति उसमें भी है, जीव में भी है, तो शक्ति दोनों में है, वीर पुद्गल का भी है जीव का भी है, तो उसको घात कर रहे हैं ना, तो वो सामान्य गुण है, वो विशेष बात नहीं है उसमें, इसलिए उसको अंत में नंबर दिया। वीर का घात होने से कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी हानि भी नहीं है, ज्ञान दर्शन ये बहुत बड़ी हानि है, ऐसे ही मोहनी कर्म से हानि है, तो पहले रखें, और मोहनी के पहले वेदनी तो केवल इसलिए रखा है वो तो बताने के लिए कि ये मोहनी के बिना वेदनी काम नहीं करेगा, मोहनी के पहले वेदनी मतलब उसने बीच में डाला कि ये मोहनी के साथ ही वेदनी अपना फल देता है, मोहनी के बिना फल नहीं देता, बात ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी, वेदनी के वेदनी मोहनी के वेदनी जो है घातिया के बीच में क्यों डाल दिया,
घातिया के बीच में इसलिए डाला कि वो घातिया सहित होगा तो ही फल देगा, तो घातिया चले जाएंगे तो उसकी कोई ताकत नहीं, ये बताने के लिए उसको। और फिर आयु नाम बोध एक दूसरे के आधार पर चलेंगे ना, पर अंतरा है जो है सबसे अंत में, वेदनी तीन पे, मोहिनी चार पे, और आयु पांच, नाम छह, बोध सात, अंतरा आठ। आया समझ में? बताओ चलो आठों कर्मों का क्रम क्या? नाम बोध आयु, फिर से बोलो एक बार, एक गलती है बस, वेदनी कहाँ आएगा? वेदनी तीसरे नंबर पे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, इसका कारण क्या है बताओ? आठों कर्मों के क्रम का कारण क्या है? कभी सोचा आपने? सोचते कि आपने रटना है, रट के ज्ञानावरण होते हैं, दर्शनावरण होते हैं, प्रभु ज्ञानावरण को मिटाओ, दर्शनावरण को मिटाओ, खुद के तो मिटा लिया, हमारे ही मिटा आपको। हाँ बताओ आठों कर्मों का। ज्ञानावरण को इसलिए रखा क्योंकि दर्शनावरण ही में सामान्य अवलोकन है, विशेष गुण ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को पहले रखा। और ज्ञान और दर्शन को पहले क्यों रखा सबसे? ज्ञान, ज्ञान और दर्शन पहले रखे ना सबसे, फर्स्ट टू यही है, स्वभाव को सबसे पहले, जीव के स्वभाव को यही पहचानते हैं, इनके स्वभाव जीव का लक्षण है, जीव के लक्षण बस। और वेदनी को इसलिए पहले लगा क्योंकि वेदनी के बिना मोहनीय का कोई असर नहीं, वेदनी के मोहनीय के बिना वेदनीय का कोई वो नहीं। और फिर उसके बाद आयु, आयु को रखा है ताकि आयु, नाम, गोत्र, आयु रहेगी तो नाम, गोत्र और सब आएंगे, तो उसके बाद फिर अंतराय को रखा है। अंतराय आयु के बाद नाम क्यों रखा? आयु के बाद नाम को इसलिए रखा है क्योंकि आयु रहेगी तो मतलब जिस शरीर में रहेंगे तभी अपने को नाम मिलेगा, और जिस शरीर नाम नहीं मिले, नाम क्या है, नाम कर्म का काम क्या है? नाम कर्म का काम ऊंच शरीर की रचना, छोटे बड़े तो आयु है तो ही पता चलेगा कि किस, तो आयु से नाम का तो हो गया, नाम को गोत्र के पहले क्यों रखा? गोत्र पहले, गोत्र में उच्च कुल नीच कुल मिलेगा ना, तो अगर अपना शरीर ही मिलेगा तो उच्च कुल और नीच कुल कैसे पता? नाम आधार है, गोत्र आधे। फिर उसके बाद अंतराय को रखा, तो अंतराय को पुद्गल में भी है अंतराय, इसलिए अंतराय चरण नहीं है पुद्गल में, मैं आप वीर वीर शक्ति से ठीक है, आया समझ में भी अच्छा होता है। और कुछ और कोई आठो कर्म का कारण चलो ख्याल में आ गए कि नहीं आए? बता सकते कौन बता गया? बताओ चलो, आयु मिलेगी तो शरीर की रचना होगी ना, गोत्र से पता चलता है कि कुछ गोत्र बीच गोत्र किस में चलेगा, और लास्ट में तो नाम कर्म गोत्र का आधार है ना, शरीर की रचना वो ऊंच नीच कुल का आधार है। मुझे नहीं पता कौन से स्वभाव का
नहीं ये तो ठीक है, मैंने कहा कि आठ कर्मों का क्रम का कारण क्या ये है चीज। अब देखो इसके बाद में तीसरा कर्म कौन सा है, ज्ञानारण दर्शनारण, वैसे तो वेदनी का क्रम है, लेकिन अपन थोड़ी मोहनी की पहले चर्चा कर लेते, ये बहुत किंग आदमी है। राजा आठों कर्मों का मोहनी है, ये चला गया तो सब चले जाते हैं और ये रहता है तो कुछ नहीं जाता है। इसका इसकी परिभाषा क्या है, इसके दो दो भेद है इसके, कौन कौन से, दर्शन मोनी और चाय। दर्शन मोनी आत्मा के सम्यक गुण का घात करता है, सम्यक तो प्रकट नहीं होने देता, और चारित्र मोनी आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है, आत्मा का जो चारित्र है वीतरागता रूप उसको प्रकट नहीं होने देता। एक वीतरागता का और एक सम्यक का घात करता है, मतलब एक एक चारित्र का घात करता है और एक का घात करता है सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहिए मोक्ष का मार्ग, तो ये दोनों मिलके इन्होंने डिपार्टमेंट ले रखे, एक सम्यक दर्शन का घात करेगा एक सम्यक चाहिए, तो सम्यक दर्शन का घात होगा तो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का भी घात, ज्ञान भी सम्यक नहीं कहलाएगा, उन्हें पढ़ा ना छड़ाला में, ज्ञान भी जब तक सम्यक ज्ञान जब तक मिथ्या दर्शन है ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान, इसलिए दो ही बहुत है, तो एक मिथ्या दर्शन का काम एक सम्यक दर्शन का घात कर रहा है एक सम्यक चाहिए, सम्यक दर्शन का घात हो गया सम्यक ज्ञान तो अपने आप ही मिथ्या ज्ञान, मतलब ज्ञान जितना भी सब क्या कहलाएंगे, दोनों अपना काम करके पूरा जीव को मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी मिथ्या चाहिए बना रखा मतलब इसके निमित्त से जीव बना हुआ है, इसने नहीं बनाया है तो इसलिए पूरा संसार चल रहा है, मतलब संसार के राजा तो यही है। जैसे जीव के मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य एकता मोक्ष का मार्ग है, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान मिथ्या चैत्य की एकता संसार का मार्ग, तो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य किसके निमित्त से हो रहा है, इनके निमित्त से। मिथ्या दर्शन किसके निमित्त से, दर्शन मोनी के निमित्त से, मिथ्या चैत्य किसके निमित्त से, चैत्य मोनी के निमित्त से, और मिथ्या ज्ञान किसके निमित्त से, वो मिथ्या दर्शन के निमित्त से ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो उसमें भी निमित्त कौन कहलाएगा, दर्शन मोनी। आई बात समझ में, मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान कहलाता है, इसलिए जो मिथ्या दर्शन का कारण है वही मिथ्या ज्ञान का भी कारण, माने दर्शन मोनी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का कारण, और चैत्र मोनी मिथ्या चैत्य का, चैत्य गुरु का हक करता है, मिथ्या चैत्य का कहो या यूं कहें कि चैत्य को प्रकट नहीं होने देता, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत अंश चला भी जाता है तो भी जब तक पूर्ण चैत्य मोनी नहीं जाता तो पूर्ण चैत्य प्रकट नहीं होता, समझ में ना, चारित्र की पूर्णता नहीं होने देता, चैत्र मोनी जब तक है तब तक चैत्य की पूर्णता नहीं होगी, और दर्शन मोनी जब तक है तब तक सम्यक का घात होगा, सम्यक का घात करने वाला दर्शन मोनी और चैत्र का घात करने वाला चैत्य मोनी, इतना याद रखना, इतना तो सरल। अब कौन कौन घात करता है, जैसे सम्यक का घात करने वाला कौन है, दर्शन मोनी, तो दर्शन मोनी सम्यक का कौन घात करेगा, मिथ्या, तो उसका एक दर्शन मोनी का एक बेटा हो गया मिथ्या, दूसरा हो गया सम्यक मिथ्या, तीसरा हो गया सम्यक, अब नाम उसका सम्यक है लेकिन वो सम्यक का घात करता है, तो वह वैसा घात नहीं करता जैसा मिथ्या करता है, मिथ्या तो सम्यक का पूरी तरह से घात करता है, लेकिन सम्यक तो सम्यक का घात न करते हुए सम्यक में दोष उत्पन्न करता है, चल बना रहा दोष उत्पन्न करता है, सम्यक का निरन्वय रूप से पूरी तरह से नाश नहीं होने देता, नाश नहीं होता उसके निमित्त से, तो इसलिए उसको सम्यक कर्म नाम दिया, ये कर्म ही माने उससे कोई सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कर्म ऐसा है जो सम्यक का पूरी तरह से घात नहीं करता, केवल सम्यक में दोष उत्पन्न करता है, तो पूरी तरह से घात नहीं करता इसलिए उसका नाम मिथ्या सम्यक पे दे दिया, अच्छा है ये कर्म, लेकिन ये कर्म सम्यक का घात नहीं करने से सम्यक्ति नाम दे दिया उसने, कई लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं इसलिए, क्योंकि नाम है ना सम्यक कर्म अच्छा है कि बुरा है, सम्यक कर्म बुरा है और सम्यक दर्शन अच्छा है कि बुरा है, अच्छा सम्यक दर्शन अच्छा, सम्यक तो कर्म जो है दर्शन मोनी का बेटा वो सम्यक के अंदर दोष लगाता है कि लगाता है तो सम्यक को निर्मल नहीं होने देता, जब तक उसका उदय तब तक सम्यक निर्मल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसको इतना है क्रेडिट उसको
कि उसका उदय है, इसका मतलब ये है कि वो सम्यक दर्शन है तो सही, उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है। सम्यक की सत्ता उस काल में थी, उसका उदय तो सम्यक की सत्ता है, इसलिए हमने उसका नाम ही क्या दे दिया, सम्यक, क्योंकि वो सम्यक के साथ रहता है, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति। और दूसरी प्रकृति का नाम है सम्यक मिथ्यात्। सम्यक मिथ्यात् माने इसके उदय में क्या होता है, सम्यक दर्शन भी होता है और मिथ्यात् भी होता है, मिश्र गुण स्थान है। इससे अच्छा हुआ सम्यक कर्म से बुरा है, और इससे सम्यक कर्म से बुरा हुआ। हाँ, क्योंकि ये सम्यक नहीं रहता इसके उदय में। अच्छा, आधा सम्यक आधा मिथ्या। हाँ, आधा सम्यक आधा मिथ्या तो क्या कह सकते हैं अपन, जैसे गुड़ और दही खा, श्रीखंड तो खाया होगा ना। सबसे ज्यादा मिथ्या तो बुरा, खतरनाक, सम्यक मिथ्या उससे कम खतरनाक, सम्यक और कम। हाँ, श्रीखंड खाया तो नहीं खाया, श्रीखंड खट्टा होता है कि मीठा, खट्टा मीठा, ऐसे खट्टा भी और मीठा भी, ऐसे सम्यक मिथ्यात् के परिणाम जो है सम्यक रूप भी और मिथ्यात् रूप भी है, मिश्र रूप परिणाम। जैसे तीन भेद दर्शन कौन कौन से, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक। मिथ्यात् का उदय रहता है तो पहला गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात् का उदय होता है तीसरा गुणस्थान, और सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो चौथे से सातवें गुणस्थान होते हैं, चार से सात में से कोई सा भी हो सकता है ऐसा है। इसका प्रकृति का उदय तीसरा, बोलेंगे सम्यक कर्म तीसरा, सम्यक मिथ्यात् में तीसरा, मिथ्यात् में पहला, और सम्यक प्रकृति का उदय है तो चौथे से सातवां। सम्यक कर्म ही बोला है, साधन अलग चीज है, मिश्र मिश्र मिश्र। ये वाला चार से सात वाला मुनिराज के भी है। हाँ, परंतु ऐसा स्थूल दोष लगता है, माने सूक्ष्म दोष है जो केवल ज्ञानी जानते हैं, जो अपने को दिख जाए कोई दोष वो तो केवल ज्ञानी, वो तो मिथ्या दृष्टि प्रकट। वो जो दोष है ये केवल ज्ञानी गम है, सूक्ष्म दोष है, क्योंकि यदि स्थूल दोष हो तो सम्यक को नष्ट कर देता है। इतना सूक्ष्म दोष है जो केवल ज्ञानी बता सकते हैं, अथवा कोई औद्धि ज्ञानी मुनिराज हो जो कर्म को देख सकते हैं वो बता सकते हैं, स्वयं भी जीव नहीं जान सकता। किसी को ये नहीं पता चलता कि मेरा भी क्षय उपशम है, कि मेरे उपशम है, कि मेरे छाई है, कौन सा सम्यक है, सम्यक है ये बता सकता है भाई एक बार, लेकिन कौन सा है ये तो, क्योंकि इतना सूक्ष्म है ना, एकदम बहुत बारीक दोष है। कर्णानियोग का विषय, कर्णानियोग बहुत बारीक भी चीज होता था बताता उसको, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन। होने की वजह से क्या कहें, अपन अपन खुद ही मोनी का निमित्त होता है, वो तो उदय निमित्त की अपेक्षा से कथन है, तो मोनी का निमित्त सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की, ज्ञान ही कहें अपन, अपन सम्यक दर्शन ही कहो, सम्यक दर्शन के घात नहीं। ज्ञान में तो एक्चुअल में ज्ञान के मिथ्या होने में मिथ्या दर्शन कारण है, ज्ञान के नहीं होने में ज्ञानावरण कारण है, और ज्ञान के विपरीत होने में मिथ्या दर्शन कारण है। ये बंदे बात की थी सब पहले छेड़ा में आई थी ना ये सब बातें, ज्ञान का नहीं होना ज्ञानावरण का काम है, और ज्ञान का विपरीत होना मिथ्या दर्शन का काम है। ये तो मिथ्या दृष्टि ना सम्यक दृष्टि मिश्र वाला, इसके गुणस्थान ही अलग है, तीसरा है ये, ना पहला है ना चौथा है, तीसरा है मिश्र गुणस्थान। और ये होता उसी को जिसको एक बार सम्यक हो जाता है, पहले सबसे पहले सम्यक ही होता है जीव, मिश्र में पहले नहीं आता। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जो जीव है, जिसने आज तक सम्यक प्राप्ति नहीं किया है, ऐसा जीव पहले सम्यक प्राप्त करता है, और फिर कदाचित यदि तीसरे में आए मतलब मिश्र में आए तो आए, नहीं भी आए और ऊपर चढ़ के मोक्ष चले जाए। तीसरा वाला कंपलसरी नहीं है, तीसरा वाला तो गिरते हुए किसी को हो जाए तो हो जाए, क्या है तो दूसरा अलग है, वो भी केस चाहे तो मुनि में आएगा।
चौथे से सातवें पांचवें छठे सातवें मतलब नीचे चौथे के नीचे गिनना जरूरी नहीं, चौथे से नीचे गिरे ही वो चौथे पे भी कंटिन्यू बना रहे कि थोड़े टाइम बाद चौथे के बाद पांचवें में चले जाए और बाद में सातवें में चले जाए, सातवें छठे में झूलता रहे कि कुछ काल बाद छपक्षणी मान ले और कुछ काल बाद केवल यही मंजिल। हाँ जाएंगे स्टेप, डायरेक्ट तो चौथे से मोक्ष जाएंगे ही नहीं, जाएंगे स्टेप से, लेकिन बस बात ये कि चौथे से नीचे नहीं आए, वो वहीं बना रहे, मतलब उसका जो है डिमोशन नहीं हो, नीचे नहीं आए तो वो मोक्ष जा सकता है। तो इसलिए दूसरा तीसरा कंपलसरी नहीं किसी जीव के लिए, दूसरा तीसरा होना ही चाहिए मोक्ष जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, बिना दूसरा तीसरा प्राप्त किए भी मोक्ष हो सकता है। सुंदरी बात क्या, पहला मनस्थान वास्तविक मनस्थान है, बस कथन भाग से पहला वास्तविक मनस्थान मतलब मिथ्या तो मनस्थान है पहला, सब जीव उसमें है वो सबको है, उसकी प्राप्ति के लिए जीव को कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताई थी ना बात किसी से कही थी ना, आपका तो पहले ही होगा ये बताइए, बताई थी ना मैंने, हाँ तो वो मिथ्या तो पहला गुणस्थान है, पहला मतलब सबसे गंदा, यहाँ पहले का मतलब मतलब प्रथम प्रथम से प्रथम सबसे निकृष्ट जीव पहला गुणस्थान है, और जब तक पहला है तब तक मोक्षमार्ग चालू नहीं होता, और पहले के ऊपर कोई सा ही पहले के ऊपर पहला होगा तो चौथा पांचवा ही होगा, दूसरा तीसरा नहीं होता, चौथा होगा पांचवा होगा सातवा जो भी होगा, लेकिन एक बार पहले के ऊपर चढ़ गया तो जीव का संसार निश्चित रूप से कट जाए, बस पहले ही छोड़ना है, बाकी की चिंता नहीं है, एक छूट गया सब छूट जाएगा, और पहला नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं छूटेगा। ये दूसरा तीसरा अभी आएगा आगे, दूसरा भी सब गिरते समय होते हैं सब, अच्छा उतरते टाइम होते हैं, उतरते सब चौथे से गिरेगा या पांचवे से, मतलब वो सब गिरने वाले केसेस हैं। चलो आगे चले अपन, तो दर्शन होने के तीन भेद समझ में आ गए, बताओ किस किस को याद है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व का काम क्या है विपरीत श्रद्धा, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र श्रद्धा, और सम्यक प्रकृति का कार्य क्या है श्रद्धा में दोष लगे, कौन से दोष लगते हैं वो दोष है जो चलना लगा दोष लगे, ठीक है। अब चैत्र मोहनी, चैत्र मोहनी कर्म का क्या काम है, आत्मा के चैत्र गुण को हटाते, इसके भी दो भेद है कषाय और नो कषाय, तो ये जो नो है ना नो, ये नो में ओ की मात्रा है कि औ की मात्रा है, देखना जरा एक ओ ये सही है डबल होना चाहिए, सही है, कितने लोग कह रहे हैं कि सही है, ये सही है, और कितने लोग कह रहे हैं गलत है, वो नौ नाइन संख्या वाली है, नाइन संख्या ही होना चाहिए ना यहाँ, नाइन ही तो है ये, ये नाइन संख्या संख्या वाची है नौ कि ये नौ कोई और अर्थ है इसका, संख्या वाची है नहीं नहीं और, अरे इधर वाले तो बोल रहे मत, ये ना हम लोगों की क्लास तो लग रही है, ये नौ संख्या वाची नहीं है, ये नौ का अर्थ अलग है, वो नौ का अर्थ अलग है, नौ संख्या वाची भी होता है और नौ ये संख्या वाची होता है तो अपन दो लगाते ना नौ होता वो फिर केवल नौ है क्या, इसका नाम नो, ये नाम तो नो का अर्थ है यहाँ पे किंचित, किंचित कषाय माने नो कषाय, किंचित माने वैसी बलवान नहीं है जैसी बलवान कषाय, अल्प बलवान, किंचित किंचित कषाय, किंचित बलवान, किंचित माने कम, किंचित है थोड़ा है ज्यादा नहीं है, माने कषाय तो है लेकिन किंचित कषाय, और वो कषाय तो बहुत बड़ी कषाय है अच्छी जो कषाय है, तो ऐसे ही भले संख्या में भी नौ है लेकिन यहाँ नौ का अर्थ है किंचित कषाय, और
कषाय में तो 16 कषाय है, 16 कषाय के नाम तो सबको याद होंगे ना, ऐसे तो चार के नाम तो याद होंगे, कषाय के चार वेद तुमने पढ़ाए थे, कौन कौन से बताओ? क्रोध मान माया लोभ। अभी अपने 10 धर्म में तो सब सुने ही होंगे, तो बच्चों के उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दा, उत्तम आर्जा, उत्तम शोच, इसका उत्तम शोच आता है, इसे सत्य बाद में आएगा कभी, जब पहले कषाय के अभाव धर्म की बात आएगी। तो ये चार कषाय, अब ये चारों कषाय के फिर चार चार वेद कर दो, कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अब इसमें जो अनंतानुबंधी उसका मिथ्यात् के साथ में अच्छा कोलाबोरेशन जोड़ा है उसका, वो कहती है मैं मिथ्यात् के साथ रहती हूँ, मिथ्या दृष्टि के साथ में अनंतानुबंधी रहती है, अनंतानुबंधी जा रहती है तो बाकी तीन तो कहती है हम तो आपके साथ ही है, यदि आप हो तो हम तो हमेशा ही है, इतनी बड़ी देवी है तो हम छोटे मोटे का तो नाम मिल ही जाएगा, जहाँ एक है वहाँ चारों है, अनंतानुबंधी है जहाँ पहली वाली वहाँ चारों है, और अनंतानुबंधी चली गई तो तीन रह सकती, फिर दूसरी भी चली गई तो कितनी रह सकती? दो। तीसरी भी चली गई तो कितनी रहेगी? एक। और चौथी भी चली गई तो कितनी रहेगी? एक भी। एक क्रम क्रम से जाती, सबसे पहले जाएगी तो फिर जाएगी प्रत्यय का नाम, फिर संघ, ऐसे क्रम से जाती। ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी तो गई नहीं और अप्रत्यय का नाम चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, पहले अनंतानुबंधी का अभाव होना चाहिए, मिथ्यात् और अनंतानुबंधी का अभाव हुए बिना प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों का अभाव नहीं होता। यूं भी सोचो जिसकी मान्यता ही सच्ची नहीं होगी, विपरीत मान्यता ही नहीं जाएगी, वो क्यों उसके उसके पांच पापों के करने की रुचि कैसे टूटेगी, विषय भोग की रुचि कैसे टूटेगी, त्याग में परिणाम नहीं होंगे उसके, कब तक? जब तक त्याग में सुबुद्धि नहीं होगी, विषय कषाय में दुर्बुद्धि नहीं आएगी तब तक उसकी विषय कषाय की त्यागने की बुद्धि क्यों आएगी? विरक्ति नहीं होगा ना, विरक्ति का आधार श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा, और श्रद्धा के बल से वो विरक्त होता है, और श्रद्धा ही नहीं होती तो कहेगा विरक्त कुछ नहीं, अंतरंग से विरक्ति का एक आधार पर सच्ची श्रद्धा, श्रद्धा पक्का है कि नहीं वस्तु स्वरूप यही है, तीन लोग चलायमान हो जाए लेकिन जो वस्तु स्वरूप है वो ऐसा ऐसे ही रहे, तो ऐसा जीव का फिर आगे आगे बढ़ना होता है, तो आगे आगे जैसे बढ़ता है वो, तो वो फिर पंच पापों का त्याग करता है, एक देश त्याग करता है, सकल त्याग करता है, इस प्रकार से उसके चारित्र में वृद्धि होती है, तो ये श्रद्धापूर्वक का होता है, सब प्रैक्टिकल है, मतलब बिल्कुल मोक्ष का मार्ग है वो एकदम व्यवस्थित है, जहाँ अपन ने मतलब उसको समझे तो बिल्कुल व्यवस्थित है, और कोई कुछ करना चाहे कि मैं पहले ये कर लूँ वो कर लूँ, होता ही नहीं ना, वो पहले वो होगा तो वही होएगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, अनंतानुबंधी की परिभाषा यही है, जो सम्यक गुण को गाते क्या, या जो देखो इसमें नहीं दिया अनंतानुबंधी की परिभाषा, अनंतानुबंधी कषाय माने जो आत्मा के स्वरूपाचरण चैत्र को गाते, सम्यक्ताचरण चैत्र को गाते, मैंने सम्यक को नहीं होने दे क्या, उसको गाती, किसको? स्वरूपाचरण नहीं होता इसके अंदर, स्वरूप में लीनता नहीं होती, इतनी स्वरूप की रुचि उत्पन्न नहीं होती, सम्यक रूप आचरण प्रकट ही नहीं होता, इसलिए ये सम्यक को नहीं होने में, सम्यक के अनुकूल आचरण होने में, सम्यक के अनुकूल आचरण को घात करने में क्या है? निमित्त है। कौन? अनंत। ये इसका नाम क्यों भी? अनंत अनुबंध है, संसार से अनंत अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी, अनुबंध वाले एग्रीमेंट, अनंत संसार का एग्रीमेंट, ये अपने को अनंत संसार में रहना है, उसका एग्रीमेंट कराने वाली अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान माने त्याग, और अ माने किंचित, अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग को आवृत करे, माने जो किंचित त्याग भी नहीं होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं, प्रत्याख्यान माने त्याग, सकल त्याग, तो जो सकल त्याग को आवृत करे तो प्रत्याख्यानावरण कषाय, और संज्वलन जो चारित्र के साथ भी जलती रहे उसे संज्वलन कषाय कहते हैं, यानी जो यथाख्यात चारित्र को भाते उसको संज्वलन कषाय, ऐसे चारों की परिभाषा है।
जो स्वरूपाचरण अथवा संरक्ताचरण चैत्र को गाते हैं अनंतानंद, जो एक देश चैत्र को गाते हैं किंचित त्याग को भी ना होने दे, जो किंचित त्याग को भी ना होने दे अप्रत्याकरण, जो सकल चैत्र को ना होने दे, जो यथा क्या चैत्र गाते ये बस कंफर्म कर रहे हैं यथा क्या चाहिए को ना गाते को गाते हैं उन्हें पूर्ण वितरागी ना होने, इसको सरल करके लिख दिया ठीक है ना। तो पीछे के चार थे, पीछे के नोट्स देख लेना, उनके अच्छे नोट्स इसलिए निकाल दिए, आप घर जाके देखना कहीं यदि रद्दी में जा रखे होंगे कहीं मिलेंगे तो ही नहीं लोगों से, कहो अभी कल चार्ट लेके आना सर, ये सब पीछे के नोट्स मैं गारंटी देता हूँ 10-20% ऐसे होंगे जिनको नोट्स ही नहीं मिलेंगे। एक फाइल बना लो व्यवस्थित स्टेपल करके, फाइल दी हुई थी ना अपन ने पंडित जी, इसमें 9 कषाय मतलब ये तो 9 वाली है ना, ये 25 कषाय है, ये वाली 25 है, मैं इसी आधार पर इसको शायद पूछूं कौन से 25 है, ये जो लिखी इसमें तो 9 मतलब 9 मतलब 9 है, इसमें 9 कषाय नहीं है, ये 9 9 कषाय है, 2 बार 9 है ना, अच्छा 2 बार 9 लिखा है, 9 संख्या में लिखा है, 9 बार लिखा है, परिभाषा क्रोध मान माया लोग की परिभाषा सबको मालूम है, अनंतानुबंधी अप्रत्याकरण प्रत्याकरण चल रहे, इस प्रकार से ये 16 कषाय हो गई अपनी, और 9 कषाय हास हास तो सबको मालूम है, रति परिणाम प्रीति रूप परिणाम होता है रति है, अरति माने द्वेष रूप परिणाम, अच्छा नहीं लगना, शोक किसी इष्ट के लिए हो दुखित होना, भय भागने से भयभीत रहना भय कषाय, जुगुप्सा ग्लानी होना अपवित्र वस्तु को देखकर सुहाना नहीं, कोई मलमूत्र देख कुछ भी मतलब अपवित्र वस्तु को ग्लानी, गंदगी देखना, स्त्री वेद पुरुष रति का भाव स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद स्त्री से प्रेम का, स्त्री से रति स्त्री में रमण करने का भाव पुरुष वेद का कारण, नपुंसक वेद दोनों से रमने का भाव वो नपुंसक वेद, अरति माने अप्रीति रूप परिणाम, प्रीति रूप परिणाम प्रीति प्रीति माने प्रेम, प्रेम रूप परिणाम नहीं होना अप्रीति रूप परिणाम होना ये अरति, रति नहीं होना अरति, रति माने प्रीति प्रेम और प्रेम नहीं है अरति, किसी से रति है किसी से अरति है नहीं होती, किसी रति राग है अरति देश ग्लानी है, विभिन्न ग्लानी में ना जो मैंने ग्लानी होती किसी चीज से देख के सुहाता नहीं, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, स्त्री के शरीर स्त्री के ने स्त्री शरीर के योग्य चिन्ह होना वो स्त्री वेद, पुरुष के योग्य शरीर में चिन्ह होना वो पुरुष वेद है, और नपुंसक के योग्य नपुंसक योग्य शरीर में चिन्ह होना वो नपुंसक वेद, बराबर है बिल्कुल बराबर नहीं है, ये शरीर के चिन्हों से इसका क्या लेना देना है, शरीर के चिन्ह तो नामकरण करेगा जीव के भाव से मतलब, मैंने स्त्री योचित भाव होना, स्त्री उचित भाव होना लज्जा रूप भाव भयभीत रूप भाव, दोषों को प्रकट करना गुणों को ढकना, जो भी स्त्रियों के योग्य भाव है वो स्त्री स्त्री वेद का कार्य है, और पुरुष वेद वीरता का साहस शौर्य गुणों को प्रकट करना वो पुरुष वेद का कार्य है, और नपुंसक वेद तीव्र कषाय का परिणाम है, भाव में एक ही होगा, भाव में भी एक ही होएगा और द्रव में भी एक ही होगा, लेकिन द्रव वेद अलग है भाव वेद अलग, द्रव वेद शरीर की रचना है और भाव वेद मोहनी कर्म के उदय का कारण है, मतलब यहाँ जो बात चल रही है किसकी है भाव वेद की, द्रव वेद से कोई लेना देना नहीं, किसी का शरीर जो है ना पुरुष का हो सकता है और भाव वेद स्त्री का नपुंसक का भी हो सकता है, किसी का शरीर स्त्री का और भाव पुरुष जैसे
समझ रहे ना, महारानी लक्ष्मीबाई नहीं, मोटा उदाहरण स्थूल उदाहरण है, ऐसा एज इट इज मत लेना। नपुंसक वेद का उदय और किसी के भले ही भाव द्रव्य से पुरुष हो, भाव से कुछ भी, मतलब ये वेद वैषम में यहाँ कर्म भूमि के जीवन में पाया जाता है। द्रव्य और भाव वेद अलग अलग हो सकते हैं, कर्म भूमि में भोग भूमि में ऐसा नहीं होता। जो द्रव्य से वेद है वही भाव से, नरक में भी जो द्रव्य से वही भाव से, देवों में भी जो द्रव्य से वही भाव से, नारक में तो सब नपुंसक के द्रव्य भाव दोनों से, देवों में द्रव्य भाव से स्थिर पुरुष ही होते और कुछ नहीं होते। भोग भूमि में दो ही वेद होते हैं, स्त्री और पुरुष, नपुंसक होते हैं जो स्त्री हो स्त्री पुरुष। यहाँ क्या है कि भले द्रव्य से कुछ वेद अलग है और भाव से कुछ हो नहीं, वेद वैषम्यता हो सकती है, वो जरूरी नहीं है, हो सकती है। इसके लिए अग्नि का भी उदाहरण दिया है, तिनके की अग्नि, माने वेद तो है रमण करने का भाव है लेकिन तिनके की अग्नि जैसा, तिनके की अग्नि जल गई जल्दी से, जल के सुलग के खत्म हो जाती, तिनके की अग्नि होती ना, तिनके की अग्नि को अपन ने जलाया, तिनके को जलाया कितनी देर जलती, बस जल्दी और बुझ जाती खत्म। तो पुरुष वेद में तिनके की अग्नि जितना राग है बस, मतलब उसके लिए उदाहरण दिया कि उसकी कषाय कैसी है तिनके की अग्नि जैसी, और स्त्री वेद की कंडे की अग्नि, कंडे की अग्नि ऊपर से नहीं दिखती, ऊपर से दिखता कंडा ठंडा, अंदर से सुलगती रहती, अच्छी अच्छी गर्मी होती है उसमें, तो तुरंत नहीं बुझ जाती है, जैसे तिनके की अग्नि जैसी वो तुरंत नहीं बुझती, अंदर ही अंदर सुलगती है, उस पर बाटी वाटी बन जाती है अच्छे से बनाने में, आपको अब अच्छे बताइए मैंने उदाहरण बताया। और तीसरी है नपुंसक वेद को उदाहरण दिया है ईंट के भट्टे की अग्नि, ईंट के भट्टे की जो अग्नि होती है बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुत तेज होती है, ईंट का भट्टा होता है कितना टेम्परेचर हाई होता है तब ईंट बनती है, तो ईंट के भट्टे की अग्नि के लिए उदाहरण है नपुंसक, मतलब ईंट की भट्टी का उदाहरण जो है नपुंसक वेद के। ये सब परिणामों की बात है, ये कोई बाहर में अग्नि अग्नि नहीं जलाना यार, सब परिणामों में इसी वेद का, मतलब परिणामों में उस जाति की तीव्र कषाय, मैंने इतना रमण का भाव इतना तीव्र है उसको समझाया इस अग्नि के उदाहरण से, फिर भी इसको नो कषाय बोलते किंचित बल्ले, हाँ फिर भी क्रोध जैसे नहीं है एकदम, फिर भी क्या है क्रोध मान माया लोग ज्यादा बड़ी है क्या। दुकान पर बैठा था आदमी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे, आज सरती रहती शोक भय में इतनी देर नहीं रहेगा, वेद के कषाय के उदय में भी इतनी देर नहीं रहेगा, उसमें तो चलती रहे सुबह शाम, पैसे का कमाने का है ये जो है शॉर्ट पीरियड, हाँ और इतना तीव्र भी नहीं है ये, वैसे वो तीव्र है वो क्रोध मान माया लोग की उग्रता ज्यादा है क्या, इसलिए उसको तीव्र कषाय के लिए दिया। देखो क्या है कि ये तो जैसे अधिकांश जो काल बीतता है ना वो कषाय बीतता है क्रोध में मान में, और ये जब क्रोध छा जाती है ना नष्ट सर्वनाश करती है, और कोई वो तो किसी को देखता, वेद का उदय जो वेद को कंट्रोल करना फिर भी मतलब वेद का उदय बंद होना आसान है, लेकिन ये कषाय जब उसे चढ़े तो क्रोध मान चढ़ जाए किसी को देखता, इनको तीव्र कषाय कहा। और जैसे थोड़ी उम्र बीत जाती ना तो युवावस्था में वेद का उद्रेक रहता, युवावस्था बीत गई फिर वो वेद का उदय नहीं रहता, फिर ये चत सताती रहती काम क्रोध, मतलब क्रोध मान माया लोग, आदमी पैसा इकट्ठा करने में लगा है, अपनी मान बड़े में लगा है, या तो किसी के प्रति गुस्सा है तो उसका बिगाड़ करने में लगा है, और कुछ नहीं सोचता सर, और ये मिटती भी नहीं है। देखो वेद कषाय का उदय तो मिट जाएगा, चलो क्रोध का उदय तो सर्वनाश के बिना नहीं मिटता, मैं तो नाश करके वो क्रोधांत का क्रोध से अंधा हो जाता, दिखता नहीं उसको अपने हिताहित भी नहीं दिखता उसको, इसलिए उसको तीव्र कषाय कही और ये वेद के मंद कषाय कही। काल भी इनका ज्यादा है, 9 कषाय का काल कम है, बाकी 4 कषाय का काल ज्यादा है। लोभ का तो काल कितना, लोभ का सबसे ज्यादा काल है, 4 ही गतियों सबसे ज्यादा जीव लोभ कषाय में लेता है, अपन देखते ही है, तो दुकान पे सबसे ज्यादा आदमी बैठ रहा था,
यदि ग्राहकी खूब हो तो सब भूल जाता आदमी, सब खाना पीना शोक वोक, अरे इष्ट का वियोग हो जाए, दिवाली के दिन वियोग हो जाए, देखो आप खोल के बैठे तो आदमी बैठा दे कोई गायक मार दे तो उसको तो ऊपर बैठे हैं। क्या ग्राहक से ज्यादा पसंद किसी को कुछ नहीं है, पिताजी पिताजी तो क्या है खास बात नहीं, जाना ही था उनको, पर ग्राहक चला जाएगा तो फिर कब आएगा, अगले साल आएगा वो। तो अपन देखना विचार करना, मैंने लोग कषाय जीव को सबसे ज्यादा मान से भी ज्यादा, उसमें काल ज्यादा बिकता है, मान यद्यपि मनुष्य गति में अधिक होता है लेकिन काल लोग में ज्यादा बिकता है, लोग सबसे आखिरी में लोग कषाय का काल अधिक है, ज्यादा टाइम उसमें बीतता है, इंटेंसिटी भले मान की ज्यादा हो लेकिन टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो लोग का ज्यादा। ठीक है, ये 16 कषाय और 9 कषाय हुए, 25 कषाय ये सब मोनी करके बेटा बेटी है, सब पूरा परिवार है, मोनी कर्म के दो परिवार दर्शन मोनी चैत मोनी, उन दो के और परिवार, दर्शन मोनी के 3 बेटे, चैत मोनी के 2 बेटे, कौन कौन से कषाय विधनी और 9 कषाय, कषाय विधनी के फिर 16 और फिर इसके 9, ऐसे वेद 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 ऐसा पूरा जंगल है इनका, कुल मिला के कितने वेद हैं मोनी के 28 बस, अपन नीचे नीचे के ले लो 28, 3 दर्शन मोनी के और 25 चाय का। अब इसके बाद में अंतराय समझ हो गया आपने, चलो कल करेंगे अपन इसके बाद।